डेरा इस्माइल खान के पसमानदा तरीन नवाही इलाकों में एसएडीपी की जानिब से दस्तकारी सेंटर्स कायम किए गए। हमारा ये प्रोजेक्ट जुनूबी अजला के 3 पसमानदा जिलों में काम करता है, जई खान, लकी मरवत और टांग के अंदर। हमारे प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद यह है कि लोगों के ज़रिए माश में और उनके गुरबत में हम कमी लाएँ और उनके जो ज़रा माश है उसमें बेहतरी आ जाए, ताकि ये लोग अपने घरों के अंदर अपने रोज़गार के मौके तलाश करें। जितना भी ख़र्चा है वो पूरा प्रोजेक्ट बर्दाश्त कर रहा है, और इसके लिए सामान और इसकी सेंटर का किराया, इसी तरह जो ट्रेनर है उसका तनख्वाह, ये सारा प्रोजेक्ट बर्दाश्त कर रहा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 3 महीने के बाद ये हमारी बच्चियां इस काबिल होंगी, अपना रोजगार खुद शुरू करेंगे। जहां इलाके की मकामी ख्वातीन को 3 मुख्तलिफ कोर्सेस के स्किल्स दिए जा रहे हैं, दाइयों की तरबियत समेत इन ख्वातीन को ब्यूटीशियन कोर्स और सिलाई कढ़ाई का हुनर भी सिखाया जा रहा है। मैं एक ब्यूटीशियन हूँ और मैं यहाँ पे 1 महीने से हूँ, और हमने काफ़ी काम कर चुके हैं, थ्रेडिंग करना, वैक्स करना और हेयर स्टाइलिंग और प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ हमने यहाँ पे सीख लिया है। और अभी 1 महीने होने वाला है और इन लोगों ने प्रैक्टिस भी दी है, मतलब बहुत अच्छा काम पिक कर रही हैं। मुख्तसर अरसे में इन ख्वातीन ने दस्तकारी के बेहतरीन शाहपारे तैयार किए। मैं डीआई खान से आई हूँ यहाँ पर बच्चियों को सिखाने के लिए सिलाई कढ़ाई कशीदाकारी। तादाद 5 लड़कियाँ हैं सिलाई की, और कुछ एक्स्ट्रा भी आ रही हैं जो मतलब शौक रखती हैं इस चीज़ का, तो हमने उनको भी आने के लिए कहा है कि खैर है वो आ जाएं, और घर से मशीन भी लाई हैं और वो सीख रही हैं वो भी। बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से हमारे मुल्क में हर 100 में से 1 माँ दौरान जिचकी अपनी जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। दाइयों की ट्रेनिंग से माँ और बच्चे दोनों की सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। यहाँ मुझे 1 महीना हो गया, आज कंप्लीट हो गया ना, तो इनका मंथ वाइज सिलेबस मुझे मिला है। उसमें मैंने इनको हाइजीन के बारे में बताया है, इनके अपने हाइजीन, पर्सनल हाइजीन जैसे होते हैं, और प्रेगनेंसी में जो हाइजीन मतलब वुमेन के, उसके अलावा हैंड वॉश के बारे में, हैंड वॉश किस तरह से होता है, वो तरीक़ेकार, उसके मतलब क्या ज़रूरियात है हैंड वॉश के। उसके अलावा मैंने इनके स्टेज ऑफ डिलीवरी के जो स्टेज होते हैं वो मैंने इनको बताए हैं, बीपी ऑपरेटर मतलब उसका यूज़ कैसे होता है, बीपी चेक कैसे किया जाता है वो बताया है, और उसके अलावा मैंने इसको टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और ये रेंज बताई है। सदरन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ज़ेर इंतज़ाम इन कोर्सेज से मकामी ख़वातीन को हुनरमंद बनाने के साथ साथ गुरबत और बेरोज़गारी जैसे मसाइल में भी कमी आएगी। कैमरा टीम के साथ साबिहा शेख, बीजे टीवी, डेरा इस्माइल खान।